दोस्तों कुछ महीनों पहले एसेटिस ने अपना एक नया फीचर की शुरुआत की थी और उसको जो है अपग्रेड कर दिया गया है अब, और उसके बदौलत ये दावा किया जा रहा है कि यूजर्स या जो यात्री है उनकी टिकट बुकिंग की एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। यहाँ तक कि कुछ यूट्यूब के वीडियोज़ या फिर कुछ वेबसाइट्स में ये तक दावा किया गया है कि उसके बदौलत यात्री जो है वो कन्फर्म तत्काल टिकट भी बुक कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो भाई उसके बारे में बताने की ज़रूरत है आप लोगों को, अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा नहीं है तब भी आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। तो आइए मैं आपको आज के इस एपिसोड में बता देता हूँ आखिर वो मामला क्या है, वो कौन सी अपडेट है, क्या उससे यात्रियों को वाकई में कुछ फ़ायदा होता है या नहीं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से दिल से गुजारिश है कि अपना एक छोटा सा लाइक देकर इस वीडियो की मेहनत को सफल बनाएं, और नए दर्शकों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए आपको जाना होगा अपने IRCTC रेल कनेक्ट में। आपने कुछ दिन पहले से देखा होगा जब भी कभी आप IRCTC में आते हैं या तो फिर आप रेल कनेक्ट में आते हो तो यहाँ एक मतलब पिक्चर जो है इस तरह का वो आ जाता है और आस्क दिशा करके लिखा हुआ रहता है। मतलब यही है वो फीचर IRCTC की तरफ से जिसको जो सर्विस जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर इसको जो है मैं ओपन कर लेता हूँ, आप देख लो, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया ये रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके ब्राउज़र में। रेल कनेक्ट को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और इसी में दावा किया जा रहा है कि जो है टिकट बुकिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। देखिए यहाँ पे बात क्या है ना कि आपको सारी चीज़ें बोलकर आप कर सकते हो, आपको टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, आप बोलोगे तो हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे जो इसको फास्ट कहा गया है। तो अब मैंने यहाँ इसको ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ कहूँगा आई वॉन्ट टू बुक अ टिकट। आप यहाँ एक चीज नोटिस करना, टाइम कितना लग रहा है। थैंक यू, फ्रॉम व्हिच स्टेशन डू यू वांट द ट्रेन? नई दिल्ली। देखिए मैं इसके बारे में अब इसका इंतज़ार करके यहाँ पे वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो सर्विस है वो मेरे हिसाब से, मैंने आज तक जितनी सारी टिकट्स बुक की है या फिर जो भी कुछ आइडिया नॉलेज है मुझे IRCTC का, भारतीय रेल का, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ टाइम की बर्बादी है। यहाँ सिर्फ टाइम पास किया गया, इस सर्विस में कोई फ़ायदा किसी यूजर को नहीं होने वाला है। मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी कभी आप कुछ टाइप करते हैं, कहीं भी जाके कुछ टाइप करते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे आपके कीबोर्ड में एक माइक का आइकॉन है, दिख रहा, इसके ऊपर आप क्लिक करके आप जो भी कुछ बोलेंगे वहाँ वो टाइप होगा। और ये नई फीचर जो है दोस्तों ये सिर्फ यहाँ पे एक माइक का काम कर रहा है, यानी कि जो लोग लिख नहीं सकते वो बोलेंगे। और रही बात कंफर्म तत्काल टिकट की, तो यहाँ सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उसको वो रिकॉग्नाइज करके वो वहाँ टाइप होने में जब इतना टाइम लग रहा है, तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि तत्काल टिकट यहाँ से बुक हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक नॉर्मल टिकट तक का मुझे यहाँ पर डाउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हो सकता है कुछ गलत भी फील हो जाए। तो बोलने से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम आपकी उंगलियां करने वाली है, तो उन पे भरोसा करें। दोस्तों IRCTC में एक मेजर फॉल्ट है जिसको IRCTC ध्यान नहीं दे रही है। आपने अगर उस प्रॉब्लम को फेस किया होगा तो आपको याद होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले IRCTC रेल कनेक्ट में फिंगरप्रिंट हार्डवेयर के साथ में उसको लिंक कर दिया गया, यानी कि आप जो है फिंगरप्रिंट से तत्काल के टाइम पर भी IRCTC रेल कनेक्ट को लॉग इन कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है, बहुत सारे ऐसे फोन्स है जिनमें फिंगरप्रिंट का हार्डवेयर है, फिर भी जो है उनमें IRCTC रेल कनेक्ट जो है लॉग इन नहीं हो रहा है। मेरा एक फ़ोन में भी ऐसा हो रहा है। देखिए हो सकता है आस्क दिशा वाला सर्विस आपको अच्छा लगा होगा, बट मुझे इसमें कुछ खास तो छोड़िए अच्छा ही नहीं दिखा। अच्छा एक बात आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या फिंगरप्रिंट वाली जो इशू है वो आपने फेस किया है, आपके किसी डिवाइस में ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी डिवाइस का मॉडल नंबर के साथ ज़रूर कमेंट करें, अगर नहीं हो रहा है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। दोस्तों आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।